और 2 पैसा के मीडिया वाले को मैं बाइट नहीं देती हूँ, बिल्कुल बाइट नहीं देती हूँ। इस फोटो के माध्यम से पता चला कि भाई वो शशि थरूर को मुंह लगाती हैं, वो शशि थरूर को से के साथ गोल्डन टाइम स्पेंड करती हैं, वो वाकई में मीडिया को बाइट देना क्यों नहीं पसंद करती हैं। शशि थरूर के साथ जो वो कर रही थी उसको क्या बोला जाता है आम आम जुबान में, आम लफ्जों में, क्योंकि हमारे मुसलमान भाई जो है और मुसलमान धर्म के जो ठेकेदार हैं, चाहे वो भारत के हो चाहे वो बंगाल के हो, वो तो इतने लिबरल नहीं है, वो तो हमें हिजाब पहनाने की बात करते हैं। तो फिर नुसरत रूही जहान जैन का बिकिनी और हॉट पैंट इतना अच्छा क्यों लगता है, और हमारा एडुकेशन और हमारी डिग्री भी बहुत खराब लगती है इनको। नमस्कार दोस्तों, मैं अंबर जैदी और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में, और हमारे साथ एक बार फिर से नाजिया मौजूद है। नाजिया बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। वंदे मातरम, भारत माता की जय, नमस्कार, वालेकुम अस्सलाम। हाँ वंदे मातरम। नाजिया, आपके बंगाल के टीएमसी की सांसद महबूबा मोइत्रा काफी सुर्खियों में, हालांकि वो हमेशा सुर्खियों में रहती हैं अपने तेज तर्रार बयानों और सवालों की वजह से जो संसद में सवाल रखती हैं, एक बार फिर से उनकी सुंदर तस्वीरें वायरल हो रही हैं और जिसको लेकर मीडिया, सोशल मीडिया हर तरफ बातें चल रही हैं। किस तरह से देख रही हैं आप इस डेवलपमेंट को? मुझे एक चीज तो मुझे बिल्कुल समझ में आ चुका है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी देश या कोई भी कास्ट अगर सनातन धर्म का मजाक उड़ाता है तो उसका सफाया भगवान खुद कर देता है। जिसकी मैं मिसाल दे सकती हूँ, जैसे सीरिया है, लीबिया है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, तो ये इन सबने सनातन धर्मों का मजाक उड़ाया, मंदिरें तोड़ी और ये देश खत्म होता हुआ और फाका कशी में भीख के कटोरे के साथ दिखाई दिया। एक साल पहले महुआ मोइत्रो ने एक बहुत बड़े चैनल में बैठ करके ये कहा था कि वो कल्पना करती हैं कि उनकी गॉडेस काली जो है, गॉडेस काली, काली माँ, वो उनके हाथ में शराब है, सिगरेट है और मुंह में मीट है। और ठीक एक साल के बाद हमने महुआ मोइत्रो, जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हमेशा बॉडी शेक करते हुए हम लोगों को पार्लियामेंट के अंदर शेकिंग स्टाइल में दिखाई देती है, उन्होंने खुद अपने हाथ में शराब, मुंह में सिगार और प्लेट पर शशि थरूर के साथ शायद मीट भी ले लिया होगा। तो आज देखिए कि जितनी हटगर्मी से और जितनी तेज तर्रार तरीके से उन्होंने काली माँ का अपमान किया था, आज पूरा भारत उनकी उन तस्वीरों को देख रहा है और वो खुद अपमान से धसी जा रही है और मरी जा रही है। मैंने ये बात इसलिए कही है कि वो धसी जा रही है और मरी जा रही है शर्म के मारे। कल जिस फ्लाइट में मैं थी दिल्ली से आते वक्त विस्तारा में, सेम फ्लाइट में वो थी। फर्क इतना था कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी के छुटभैये नेता हो या चाटुकारता वर्कर्स हो, टीएमसी के बड़े नेता हो, एक काउंसिलर हो, सबके पास अथा पैसा है, बे इंतहा पैसा है। इतना पैसा है कि खुद तो बिजनेस क्लास में ट्रेवल करते ही करते हैं, साथ साथ अपने अपने चुन्नू मुन्नू को भी बिजनेस क्लास में ही ट्रैवल भी करवाते हैं। और जैसे ही उनको पता चला कि इकोनॉमी क्लास में नाजिया बैठी है, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी फ्लाइट में और हमें 3 घंटा वेट करना पड़ा था, फ्लाइट फिर से दोबारा लैंड हुई थी दिल्ली में, और जब मैं आना जाना स्टार्ट करने लगी, पूछना पायलट से स्टार्ट करने लगी, तो वो अपने मुंह को छुपाने के लिए अपने एक छुटभैये नेता को अपने सामने खड़ा करा दी कि ताकि नाजिया की नजर महुआ मोइत्रो पर ना पड़े। भाई नाजिया से नजरें छुपाकर क्या होगा महुआ मोइत्रो जी को, तो पूरा भारत देखा आपके मुंह में सिगार, आपके हाथ में शराब और शशि थरूर का हाथ आपके कंधे पर, ये तो पूरा भारत ही देख लिया। देखिए तृणमूल कांग्रेस पार्टी और हमारा दुर्भाग्य अंबर ऐसा है कि अभी एक हफ्ते पहले कामदुनी के बलात्कारियों को, 4 मुसलमान लड़कों को निर्दोष खलास कर दिया गया, हाईकोर्ट में जो
स्टेट गवर्नमेंट की जो का जो वकील देख रहा था वो उन्होंने इतने खूबसूरत तरीके से इस केस को देखा कि बलात्कारियों का की सजा को निर्दोष खल्लास करवा दिया। रो रही है पीट रही है कामधनी के पक्ष में जो लोग लड़ रहे थे, जो गांव की ग्राम की जो साधारण औरतें थी, जो इनोसेंट औरतें थी, आज वो रोड पर छाती पीट रही है कि उनको इंसाफ नहीं मिला। भारत का एक मात्र राज्य है वेस्ट बंगाल जहां पर सीबीआई ऑफिसर आते हैं तो अरेस्ट हो जाते हैं, जहां पर जस्टिस को मलाइन किया जाता है, जहां पर लेडी जस्टिस को मलाइन किया जाता है, इंसल्ट किया जाता है, डिफेम किया जाता है, जहां पर मुसलमानों को और मुसलमान एरिया को कोलकाता के मेयर फरहाद के मिनी पाकिस्तान सीना चौड़ा करके बोलते हैं। यही महुआ मोइत्रो ने कितने प्रेस और मीडिया वाले के मुंह पर कहा था कि 10 पैसा और 2 पैसा के मीडिया वाले को मैं बाइट नहीं देती हूँ, बिल्कुल बाइट नहीं देती हूँ। इस फोटो के माध्यम से पता चला कि भाई वो शशि थरूर को मुंह लगाती हैं, वो शशि थरूर को से के साथ गोल्डन टाइम स्पेंड करती हैं, वो वाकई में मीडिया को बाइट देना क्यों नहीं पसंद करती हैं। अब आती है बात कि देखिए कांग्रेस के शशि थरूर के साथ उनकी कितनी दोस्ताना चल रही है और यहाँ पर अधीर रंजन चौधरी कितनी नौटंकियां बघारते हैं, मतलब बंगाल में आकर के इनकी कुश्ती स्टार्ट हो जाती है और जैसे ही दिल्ली पहुंचते हैं ये लोग इनकी दोस्ती स्टार्ट हो जाती है। तो ये बंगाल की जनता को समझना पड़ेगा कि ये कांग्रेस का और टीएमसी का अंदर से जो अतड़ियां मिली हुई हैं इस चीज को समझने की बहुत जरूरत है। मुझे आज भी याद है कि मेरे क्लास 12 का एक वीडियो ये तृणमूल कांग्रेस के पार्टी वालों ने वायरल करवाया था जिसमें मैं एक रेड कलर के फ्रॉक में मैं डांस कर रही हूँ अपनी फ्रेंड के साथ, फीमेल फ्रेंड्स के साथ, और मुझे इतना डिफेम किया गया था कि शायद मुझे भी लग गया था कि क्लास 12 में ही मैं सिंसियर और बड़ी हो जाती शायद मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। पर 5 दिन पहले महुआ मोइत्रो की अय्याशियों को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि भाई एज इज जस्ट अ नंबर, मैंने तो क्लास 12 में नाचा था, ये तो सीनियर सिटीजन होकर के भी जो अपनी जिंदगी का मजा ले रही है वो तो मैंने लिया ही नहीं। और आज तृणमूल कांग्रेस के सपोर्टर जो मुसलमान है उनका उनके मुंह में ताला लग गया है, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, इनफैक्ट महुआ मोइत्रा ने इन सारी चीजों का जो उनकी निजी पिक्चर्स वायरल हुए उसका जवाब भी दिया कि बंगाल की जो महिलाएं हैं वो एक फ्री लाइफ जीती हैं और ये उनकी पर्सनल और जो निजी जिंदगी है उसको जो बीजेपी आईटी सेल है वो वायरल करे एंड ऑल दैट। लेकिन सवाल ये है जिसको लेकर वो घेरे में है और जो कैश इंक्वायरी को लेकर जो उनके ऊपर सवाल और शिकंजा उनके ऊपर तेज होता जा रहा है, काफी ऐसा लग रहा है कि उनके ऊपर जो मुसीबतें हैं वो काफी गंभीर होने वाली हैं। किस तरह से देख रही हैं आप इस शॉकिंग पूरे खुलासे को? नहीं, मेरे लिए शॉकिंग नहीं है। ये बंगाल के मुसलमान चाटुकारता टीएमसी वर्कर के लिए शॉकिंग होगा। और ये इतनी दोहरी नजर के हैं कि जब नुसरत जहां को हम बिकिनी में देखते हैं और जब नुसरत रूही जहां जैन को हॉट पैंट में टिकटॉक बनाते हुए ये लोग देखते हैं तो कहते हैं कोई बात नहीं, वो एक्ट्रेस है, वो कर सकती है। महुआ मोइत्रो को देखने के बाद भी इन्होंने कहा कि नहीं वो बाहर से पढ़कर आई है, पर जीन्स में अगर नाजिया इलाही खान निकलती है तो नाजिया इलाही खान बहुत खराब है। और अगर बंगाल के महिलाएं इतने ही मॉडर्न दिमाग की हैं, बहुत ज्यादा मॉडर्न दिमाग की हैं, तो मुझे लगता है कि बीजेपी की नेत्रियों को बेवजह बेफजूल मतलब मलाइन करने की तो जरूरत नहीं थी। हम जीन्स पहन लें तो कैरेक्टर ढीला, आप शराब पी लें शशि थरूर के बगल में गोद में बैठ करके तो भी रासलीला, तो ये तो नहीं चलेगा ना। देखिए अंबर, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि एक महिला मुख्यमंत्री होने पर भी अगर 14 साल की बच्ची का यहाँ बलात्कार होता है तो वो कहती हैं कि लव एंड अफेयर था इसलिए हो गया। वो खुद को कहती हैं कि वो वकालत पढ़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी कह रही हैं कि नहीं प्यार मोहब्बत में तो बलात्कार हो ही सकता है। वो मीडिया के सामने कहती है, लड़की प्रेग्नेंट थी, 11 साल की लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है जब उसका बलात्कार होता है। तो यहाँ पर बलात्कारी जो है नासिर खान, जैसे इतना इतना हाईलाइटेड मैटर जिस पर हमारे ही बंगाल के मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी ने कहा था कि नहीं मुसलमान बलात्कार नहीं कर सकता, ये तो सजीवी घटना है। काकुली दस्तीदर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है टीएमसी के, उन्होंने कहा था कि वो फॉरेनर लड़की ने पैसा ज्यादा मांगा होगा बेचारे मुसलमान लड़के से, इसलिए उसने एफआईआर कर दिया और बलात्कार का नाम दे दिया।
मतलब इनकी नजरों में टीएमसी के अंदर की महिलाएं जो हैं वो सब पवित्र हैं, और जितनी बाकी की जनता है या दूसरे पार्टी पॉलिटिकल पार्टी की जो औरतें हैं सबके सब प्रोस्टिट्यूट हैं इनकी नजरों में। और यहाँ के मुसलमान चाटुकार और टीएमसी वर्कर भी यही चीज साबित करने पर लगे रहते हैं। दूसरी चीज मैं कहूंगी कि अडानी को जोड़ने के लिए मोदी जी के साथ और अमित शाह जी के साथ आज पैसे का लेन देन सामने आया। इस बात को मैं पिछले डेढ़ साल से चिल्ला रही हूँ, इस बात को मैं पिछले डेढ़ साल से बोल रही हूँ कि जो एक एथिक्स होता है, जो एक एटिकेट होता है पार्लियामेंट के अंदर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अपनी बात को रखने का, अपने स्टेटमेंट को रखने का, उसके बियॉन्ड महुआ मोहित्रो हमेशा गई है। इससे पहले उन्होंने एक सांसद को हरामी कहा था और बाहर निकलने के बाद उन्होंने ये कहा था मीडिया को कि एप्पल को एप्पल ही बोला जाता है। तो आज अगर उनके ही स्टेटमेंट पर मैं आती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि चिटिंगबाज को चिटिंगबाज ही बोला जाता है, चोर को चोरी बोला जाता है, पैसा खा करके अपने मुंह को खोलने वाली औरत को क्या बोला जाता है। ये शायद मैं इस ब्रॉडकास्ट में ना बोलूं तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन जनता तो समझ ही रही होगी, जनता को तो समझ में आ ही रहा होगा। शशि थरूर के साथ जो वो कर रही थी उसको क्या बोला जाता है आम जुबान में, आम लफ्जों में, क्योंकि हमारे मुसलमान भाई जो है और मुसलमान धर्म के जो ठेकेदार हैं, चाहे वो भारत के हो चाहे वो बंगाल के हो, वो तो इतने लिबरल नहीं है, वो तो हमें हिजाब पहनाने की बात करते हैं। तो फिर नुसरत रूही जहां जैन का बिकिनी और हॉट पैंट इतना अच्छा क्यों लगता है, और हमारा एडुकेशन और हमारी डिग्री भी बहुत खराब लगती है इनको। बिल्कुल आपने सही कहा है, ये बहुत बुरा है, बिल्कुल इसकी विरोध करूंगी। दूसरी एक चीज मैं अमर जरूर कहना चाहूंगी कि अगर एक और पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने इस बातों की पुष्टिकरण की है, साथ साथ उस बिजनेसमैन ने सीबीआई को भी सारे तथ्य और सत्य दिए हैं, तो मुझे लगता है कि सस्पेंड कर देना चाहिए, क्योंकि श्रीमती ममता बैनर्जी तो सस्पेंड नहीं करेंगी, क्योंकि उसने माँ काली को भी जब डिफेम और मलाइन किया था नेशनल न्यूज पर बैठ करके, तब भी ममता बैनर्जी ने सस्पेंड नहीं किया था। पर पार्लियामेंट में स्पीकर तो उसको सस्पेंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कि जब तक सारी चीजें क्लियर ना हो जाए, सारे सत्य सामने ना आ जाए, तब तक उसको पार्लियामेंट में एंटर करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल इस तरह की मांगे उठ भी रही है, इनफैक्ट ईडी के जांच की भी मांग उठ रही है। जिस तरह से ये मामला मजबूती पकड़ रहा है उससे तो ये लग रहा है कि जिस तरह से वो अडानी और सारे मामलों को लेकर संसद में सवाल उठाती थी, वो तो साथ समझ में आ रहा है कि जो महंगे बैग्स और महंगे जो एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल था वो कहाँ से आ रहा था। लोग अभी इस तरह की टिप्पणियां भी कर रहे हैं, इनफैक्ट जो पिछले सेशन का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो लुई विटो का बैग छुपाती हुई कैमरे से नजर आ रही थी, सब कह रहे हैं कि अच्छा ये सिर्फ यहाँ पे देखिए एसएससी स्कैम, टेट स्कैम, कोल स्कैम, उसके बाद बैटल कैटल स्मगलिंग, गोरु प्रचार, उसके बाद फिर कॉर्पोरेशन का स्कैम, इलीगल कंस्ट्रक्शन स्कैम से ये पूरा बंगाल भरा हुआ है। मैं तो ज्यादातर वक्त बंगाल में ही रहती हूँ, तो ये पूरा पूरा का पूरा स्टेट जो है वो स्कैम से भरा हुआ है। आप बंगाल के एयरपोर्ट पर उतरिएगा और उसके बाद फिर मैं आपको चिनार पार्क ले जाऊं, मैं आपको दमदम ले जाऊं, नागर बाजार ले जाऊं, आपको पूरा बंगाल घुमाऊंगी, आप कहेंगे कि इलीगल कंस्ट्रक्शन के अलावा मुझे नहीं लग रहा है कि नाजिया यहाँ पर कुछ होता है, क्योंकि इलीगल कंस्ट्रक्शन में बहुत पैसे हैं, बहुत पैसे हैं। वो बिल्डिंग टूट जाए, धस जाए, लोग मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस उनको इलीगल कंस्ट्रक्शन कराना और पैसे लपेटने। यहाँ तक कि बंगाल में दमदम म्यूनिसिपलिटी के चेयरमैन खड़े होकर के सीना चौड़ा करके, जिन पर ईडी की इंक्वायरी भी चल रही है, वो खड़े होकर के वो कैंटोनमेंट प्रॉपर्टी को ग्रैब करते हैं, चीट करते हैं और उस पर इलीगल कंस्ट्रक्शन करवाते हैं और करोड़ों की आमदनी करते हैं सीना चौड़ा करके। आप कोलकाता के मेयर और ममता बैनर्जी के करीबी मुसलमान जावेद अहमद खान और फरहाद हकीम के घर की लग्जेरियस लाइफ आप देख लो। फरहाद हकीम जो कलकत्ता का कॉर्पोरेशन का मेयर है, उसकी बेटियां डॉल्चे गवाना का चश्मा, वो जब निकलती है तो चार चार गाड़ियां पीछे से निकलती हैं, सिक्योरिटी, दो दो लाख का शैंपेन का बॉटल, वेकेशन कहाँ हो रहा है, पेरिस लंदन में हो रहा है, पूरा पूरा सेवन स्टार होटल बुक हो रहा है, पूरे पूरे रिजॉर्ट्स बुक हो रहे हैं, और कपड़े मतलब सनी लियोनी शर्मा जाए, मलिका शरावत शर्मा जाए, जो लग्जेरियस लाइफ है, जो स्किन पर खर्च है, जो पार्लर का खर्च है, जो खूबसूरती पर खर्च है, वो सारी चीजें हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। एक कपड़े दोबारा नहीं दिखाई देते हैं,
जो चीजें वो लोग इस्तेमाल करते हैं वो बॉलीवुड में एक्ट्रेस एक्टर और एक्ट्रेस इस्तेमाल करते हैं, जो लाइफ स्टाइल टीएमसी के नेता मंत्री के बच्चों का है वो लाइफ स्टाइल की कल्पना हम और आप नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते हैं। तो ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? अब तोपसिया के कस्बा के मंत्री मुसलमान मंत्री जावेद अहमद खान को लीजिए, उनका बेटा महज एक काउंसलर है, काउंसलर की क्या क्या वैल्यू होती है? ये मैं बता रही हूँ तब आपको पता भी चल रहा होगा कि कोई जावेद अहमद खान है। तो इन्होंने तो देश के लिए कुछ किया नहीं, इन्होंने इस राज के लिए कोई ऐसा काम तो अचीवमेंट तो नहीं कर दिया है जिससे मुसलमानों के लिए बहुत भला हो गया है, पर इनकी प्रॉपर्टी, इनकी लाइफ स्टाइल, इनके इनके घर का इंटीरियर करोड़ों करोड़ों रुपए का है। तो ये पैसे कहाँ से आए हैं? क्या क्या आमदनी क्या है, क्या बिजनेस आपका है? और इतना बड़ा बिजनेस टाइकून अगर आप बन करके इतना पैसा कमा रहे हैं तो उसको उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आए? क्योंकि यही चीज हम 12 साल पहले देखते हैं, तो 12 साल पहले ये लोग बड़े गरीब फकीर थे, इनके पास अच्छी गाड़ियां तो छोड़ो बजाज का फटफटिया चलाते थे, और बजाज का फटफटिया 12 साल पहले चलाने वाला व्यक्ति, स्टील के टिफिन में भिंडी की भुजिया और रोटी कैरी करने वाला व्यक्ति आज आज रेंज रोवर पर चढ़ रहा है, आज डोल्चे गबाना का चश्मा यूज किया जा रहा है। तो ये पैसे तो जनता के हैं ना, ये पैसे तो जनता के हैं, और इस जनता के पैसे पर क्या क्या आराम से नगाशियां की जा रही है। तो आज एक चीज खुला है सिर्फ, क्या महुआ मोइत्रो के पास लुई विटॉन का 7 लाख का पर्स कहाँ से आता था, वर्साचे का पर्स कहाँ से आता था, वो कहाँ से डियोर के क्लच यूज करती थी, वो सैंडल कहाँ से एलवी के लुई विटॉन के यूज करती थी, एक साड़ी दोबारा क्यों नहीं पहनती थी, गाड़ियों की लाइन कैसे लग गई? तो ये सारी चीजें अब खुल करके सामने आ रही है कि वो पार्लियामेंट के को टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी नहीं बल्कि अपना बिजनेस बना करके बैठी थी। बड़ा अच्छा बिजनेस है ये तो, मतलब आप सिर्फ सवाल करेंगे और सवाल के बदले में आपको आपके पास पैसों की वर्षा होगी। हम सवाल कर करके गला फाड़ देते हैं और सब कुछ दाव पे लगाते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता। अंबर, मैं और आप, हम दोनों बहुत बेवकूफ होते चले जा रहे हैं। हम राष्ट्र के हित में बात करते हैं, हम संविधान के हित में बात करते हैं, हम सनातन धर्म के हित में बात करते हैं, तो हमें क्या मिलती है? मुसलमानों के हमें गालियां मिलती हैं, हमें धमकियां मिलती हैं, हमारे माँ बाप को कुत्तों से फक्कर आया जाता है, हमारी बहनों को कुत्तों से फक्कर पाया जाता है कमेंट बॉक्स में। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है तो मेरे इंस्टाग्राम के कमेंट में जाकर के देख ले लो। जी बिल्कुल, मैं जानती हूँ। जितना जितना हम लोगों को सपोर्ट मिलना चाहिए या जितनी सिक्योरिटी हम लोगों को मिलनी चाहिए वो तो नहीं है हमारे पास, हम भी तो यंग हैं, हमारा तो बलात्कार हो सकता है भाई। हम तो अपने आप को बहुत सेफ सिक्योर करके, हमारे पिता रात में 1:30 बजे तक जगे रहते हैं कि भाई आएगी घर में तभी हम सोएंगे, नहीं तो हम सोएंगे नहीं। तो कौन सा सिक्योरिटी हमें मिल गया है? और जो लोग देश को बेच रहे हैं, जो लोग जनता का पैसा खा रहे हैं, जो लोग पार्लियामेंट को बिजनेस हाउस बना करके बैठे हैं, उनको सिक्योरिटी भी मिल रही है, उनको उनको सपोर्ट भी मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है, और देश को भी आराम से बेच रहे हैं। लेकिन नाजिया, आज टीएमसी से जुड़े जितने भी लोग हैं अक्सर घोटालों में, चाहे ममता बनर्जी के भतीजे की और उनकी वाइफ की बात करें, इस तरह के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं, लेकिन ममता बनर्जी का भी इस तरह के लोगों के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेती और ना ही बंगाल की जनता कोई सवाल उठाती। आखिर ऐसा क्यों है? मैंने तो अभी कहा कि जो औरत मुख्यमंत्री है वेस्ट बंगाल की, वो बलात्कार होता है और वो कहती है कि ये सजीवी घटना है। माइनर बच्चियों के बलात्कार को वो लव एंड अफेयर से जोड़ देती है। केस्ट्रो मंडल जब तिहाड़ जेल गया तो उन्होंने अपने स्पीच में, अपने गवर्नमेंट के मंच से उन्होंने कहा कि मैं वीर बना करके लेके आऊंगी उसको। अभिषेक बैनर्जी आराम से ईडी से इंटरोगेशन कंप्लीट करके निकलता है और ईडी को ही गाली गलौज करके रख देता है, और वो बंगाली में बोलता है कि और बाबर चाकुर की आमी ईडी बाबर, मतलब ईडी के बाप का मैं नौकर हूं क्या जो जब जब ईडी बुलाएगा और मैं जाऊंगा। तो ईडी भी शांत है, बुला लेता है, एक फोटोग्राफी हो जाती है, दिन भर पीआर चलता रहता है, उसके बाद फिर वो हाथ जोड़ करके सारे मीडिया को बोलता है देखा कुछ तो नहीं किया ईडी, कुछ तो नहीं हुआ। तो भाई क्रिस्टल क्लियर करो ना, मैं तो ईडी को भी कहूंगी कि आप क्रिस्टल क्लियर करो, अगर वो चोर नहीं है तो फिर छोड़ दो उसको, उसको बख्श दो बेचारे को, और अगर वो चोर है, उसने वाकई में जनता का पैसा खाया है, तो मुझे लगता है कि जनता के सामने आना चाहिए,
बिल्कुल सामने आना चाहिए। मैं जानती हूँ कि लीगल प्रोसेस लेंथी होता है, पर लीगल प्रोसेस 6 साल लेंथी होता है, 5 साल लेंथी होता है। इंटरोगेशन आप 5 साल करते रहोगे। आज अगर एक चोर ने पिक पॉकेट किया है और उसको जाकर के पुलिस कहेगा, सुनो मैं तुम्हारे पास 5 साल के बाद आऊंगा, ये बटुआ जो तुमने चुराया है, इस बटुए को लेकर के और तुमको लेकर के जाऊंगा, भाई साहब वो बटुआ कहीं रख देगा, वो उस बटुए का धागा भी नहीं मिलेगा आपको। तो यही सिनेरियो बंगाल में चल रहा है कि रोज उसको, रोज ईडी बुलाता है, वो हाई कोर्ट से रिलीफ लेता है, वो सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ लेता है, पैसा है उसके पास, अच्छा पैसा है, वो बड़े बड़े वकीलों को खड़ा करता है, और उसके बाद फिर ईडी इंटरोगेशन में बुलाता है और कोई ना कोई पेपर वो लेकर के नहीं आता है, फिर ईडी उसको टाइम देता है और फिर मजेदारी से वो ईडी को ही गाली देता है। तो आप चोर पकड़ रहे हो कि आप क्या पकड़ रहे हो? चोर को तो अचानक से पकड़ा जाता है भाई, इतना कानून तो मैंने भी पढ़ लिया, इतने केसेस तो मैंने भी देख लिए हैं। आप चोर को नॉक करके बोल रहे हो पकड़ेंगे एक दिन तुमको, जरूर पकड़ेंगे, हेलो 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 मैं तुमको एक दिन जरूर पकड़ूंगा, व्हाट इज दिस, क्या है ये, किसको बेवकूफ बनाया जा रहा है? वो तो जो सच है वो सामने रख दो। लेकिन क्या फिर अगर इस तरह का ही प्रोसेस है तो जो मवा मोइत्रा का केस सामने आ रहा है, जो कैश फॉर क्वेरी को लेकर उनके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, बड़े गंभीर सवाल है, क्या आपको लगता है कि कोई सख्त कार्रवाई होगी, कोई एक्शन लिया जाएगा मवा मोइत्रा के खिलाफ, या फिर यूं ही चलता रहेगा? नहीं देखिए, सख्त कार्रवाई होनी होती तो अब तक हो चुकी होती, अब तक एटलीस्ट हमारे सामने ये तो आ जाता कि उनको पार्लियामेंट से सस्पेंड किया गया है, उनको पार्लियामेंट के थ्रू एक गैजेट या एक नोटिस आ चुका है कि जब तक ये क्लैरिटी नहीं हो जाता है, जो इल्जाम एलिगेशन आपके ऊपर लगाए गए हैं वो झूठ है, तब तक आप पार्लियामेंट के अंदर नहीं आ सकते। और अगर क्लैरिटी हो जाती है कि जो भी एलिगेशन लगाए गए हैं वो सच है, तो फिर FIR हो जाना चाहिए, अरेस्ट करना चाहिए। वो तो भाग करके कल रात में तो वो कोलकाता आ चुकी है, लेकिन कोलकाता से तो यहाँ तो एक्सट्रेडिशन का इतना बड़ा मतलब प्रावधान है कानून के पास कि आराम से दिल्ली, लंदन, अमेरिका, कहीं से भी कोई एक्सट्राडिट करके लेकर के आया जा सकता है। तो बंगाल कितनी दूर, लेकर चले जाओ आप एक्सट्राडिट करके, तो आप व्हाइट को व्हाइट करो और ब्लैक को ब्लैक करो, ये क्या है? ये हम देखेंगे, हम करेंगे, और मीडिया का TRP मिल रहा है और वो आराम से मुंह खोल करके कह रही है कि भाई बंगाल की औरतें बहुत मॉडर्न है और बंगाल की औरतें जो हैं वो दूसरे मर्दों के का हाथ अपने कमर पे रखवा लेती हैं। ये कब हुआ भाई? आप अपने अपने साथ साथ, अपनी अश्लीलता के साथ साथ आप पूरे बंगाल की औरतों को अश्लील क्यों साबित कर रही हैं? क्या मौलवी मुल्ला कम है औरतों को फ्री जीवन जीती हैं, फ्री लाइफ जीती हैं? नहीं भाई, ऐसा तो नहीं है। हमारे बंगाल की महिलाएं बहुत संस्कारी होती हैं, बहुत बहुत संस्कारी होती हैं, बड़े छोटे की बहुत लिहाज होती है, बहुत ज्यादा मतलब एक रिचुअल्स उनका होता है, एक एटिकेट उनका होता है, वो हर चीजों को बहुत खूबसूरत तरीके से लेकर के चलती हैं, अपने काम को, अपने कर्तव्यों को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपने ससुराल को, अपने मायके को, अपने पति को, हर चीजों को बहुत खूबसूरत तरीके से लेकर चलती हैं। इस तरीके से नहीं कि हम शशि थरूर के पास जाएंगे तो माइक्रो मिनी पहन लेंगे और जनता के सामने आएंगे तो हम साड़ी पहन करके खड़े हो जाएंगे और जनता को बेवकूफ बना लेंगे। ये तो नहीं, ये तो बंगाल की औरतें नहीं कर रही हैं। आप अपनी अश्लीलता में पूरे बंगाल की औरतों को क्यों जोड़ रही हैं? और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि बंगाल की औरतें इस पर टिप्पणियां क्यों नहीं कर रही हैं कि भाई तुम हमको क्यों जोड़ रही हो? पूरे बंगाल की औरतों को तुम क्यों अश्लील साबित करने की कोशिश कर रही हो? जो तुमने किया वो तुम्हारी मर्जी थी। बिल्कुल आपने सही कहा कि आप अगर जो कुछ कर रही हैं वो आपकी जिंदगी, लेकिन आप सारी महिलाओं को तो नहीं कह सकते कि सारी महिलाएं इसी तरह की जिंदगी जीते हैं, लेकिन जब बंगाल की महिलाओं के साथ राजनीतिक अपराध होते हैं, उनकी हत्या होती है, उनके बलात्कार होते हैं, तो ये लोग चुप रहती हैं, तब उनका मुंह नहीं खुलता ना? तब खामोश रहती हैं। और अभी देखिए ना, बंगाल के जितने भी धर्म के ठेकेदार मुल्ला मौलवी हैं, वो कल आएगी किसी मुस्लिम एरिया में भाषणबाजी करने के लिए या पूजा पंडाल देखने के लिए, आप देखना सारे मौलवी मुल्ला उसके साथ सेल्फी लेंगे। तब इनको देखिए, ये मुसलमान जब तक इस भारत में फंडामेंटल राइट और फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो दौरा लेकर के चलेगा ना, तब तक ये भारत की उन्नति नहीं होने वाली है, तब तक नहीं होने वाली है। ये गिरगिट की तरह अपना रंग बदलता है मुसलमान लोग, सब मदरसा छाप, इनके लिए, मुसलमानों के लिए
ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा मुसलमान के लिए रुपया है और कुछ भी नहीं। अगर वाकई में तुम इस्लाम मानते हो, वाकई में तुमको इस्लाम पर ही चलना है, तो तुम नाजिया इलाही खान को हिजाब पहनाने के लिए तुम गुस्ताख रसूल की सजा तुम कह सकते हो, तो तुम नुसरत रूही जान जान के लिए क्यों नहीं कर रहे हो? बड़ा टिकटॉक देखने में मजा आता है, या टिकटॉक देखने के लिए ही उसको जिताते हो हॉट पैंट में? दो में से कोई एक रीजन तो जरूर होगा, दो में से कोई एक रीजन तो जरूर होगा, क्योंकि नाजिया से तो ये फैसिलिटी मिलेगी नहीं। नाजिया तो बोल करके वो हॉट पैंट पहन करके तो टिकटॉक बनाएगी नहीं, और मुल्लों को मुल्लों का पूरा करेगी नहीं। नुसरत है कहाँ वैसे आजकल? आजकल खबरों में नहीं है, कहाँ है वो आजकल? ढूंढना पड़ेगा शायद, फिर कोई मिला होगा। लास्ट टाइम जब उनके बच्चा कुछ तो उनका हुआ था, तब के बाद कोई खबर उनकी सुनी नहीं। नहीं, एक्चुअली उनके ऊपर भी तो करोड़ों रुपए के एलिगेशन है ना, गरीबों का और सीनियर सिटीजंस का। उन्होंने करोड़ों रुपए मार करके वो बैठी हुई है, और उन्होंने भी प्रेस मीडिया को बेशुमार गालियां दी है कि तुम लोग मुझे डिफेम कर रहे हो अपने टीआरपी को बढ़ाने के लिए, अपनी अपनी पब्लिसिटी, अपने चैनल की पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए। लेकिन खुद पब्लिसिटी पाने के लिए जब चैनल का इस्तेमाल किया जाता है तब सही रहते, कुछ कुछ एक्ट करते हैं। ऐसे चैनल वाले को नहीं जाना चाहिए ना। वही है ना, ऐसे लोगों को टीआरपी और उनको स्पेस देकर बड़ा बना देते हैं, फिर वो बड़े बन जाते थे, कहते अरे देखिए हमारा इस्तेमाल किया जा रहा है टीआरपी के लिए। तो कैसे पढ़ला और कैसे पाला बदल जाता है, ये भी वक्त है, वक्त दिखाता है। लेकिन बंगाल में जो इस तरह की चीजें हैं, चाहे घोटालों की बात हो, इस तरह की चीजें हो, ममता बनर्जी उनकी पार्टी से जुड़े लोगों से अक्सर इस तरह की खबरें सामने आती हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता। बंगाल में जो हाल है वो सबके सामने है, और आगे स्पेशली महुआ मोइत्रा को लेकर क्या होता है, क्या अपडेट होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। नाजिया बहुत बहुत धन्यवाद आपका चर्चा में जुड़ने के लिए। आपका थैंक यू।